गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश क्लास स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट द एटिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एटिक? द एटिक इज द ब्लैंक स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन द हाउस। ओके, सो हेयर इज टू पिक्चर्स एंड वन इज द बेडरूम एंड वन इज द किचन। सो किचन यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड एंड बेडरूम यूज्ड फॉर अ रेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस चैप्टर द वन बॉय इज Abzal and his friends play on a rainy day. So in a rainy day season, Faisal at the Faisal home came some friends, but they want to play the outside of the house. But they can't play because there is because the outside of the rain. तो जो अफजल है, अफजल के कुछ फ्रेंड्स उसके घर पर आते हैं और वो खेलना चाहते हैं, लेकिन बाहर बारिश होती है। वो कंटिन्यूसली विंडो में से बाहर देखते रहते हैं, बट रेन जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं होती है। तो देखिए, रेन रेन रेन, हाउ इट रेन, द ग्रेट ड्रॉप्स रन डाउन द ग्रास ग्लास इज स्ट्रीम्स। मोहन एफजल एंड लिटल नूरिस वॉच्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय से वो देख रहे थे। ओह डियर, दिस सैड, एट लास्ट, डू यू थिंक इट विल एवर स्टॉप रेनिंग? वी वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले। तो क्या कहता है कि कब ये बारिश बंद होगी और हम बाहर खेलना अपना स्टार्ट करेंगे। बट क्या होता है, रेन बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होती है। सो द नेक्स्ट, टर्न द पेज। मोहन हैड एन आइडिया, मोहन के पास एक आइडिया आता है। व्हाई वॉन्ट वी गो अप इन द टू द एटिक एंड प्ले, ही सैड। वन अदर टू थॉट इट वॉज अ वंडरफुल प्लान। ऑफ थ्री द फ्रेंड्स वेंट द रनिंग अप एंड द वुडन स्टेयर एंड देयर द नॉइजली फिट। नॉइजली फिट क्या होता है? नॉइजली फीट मतलब तेज तेज वुडन के ऊपर जब पैर रखते हैं तो इस तरह से साउंड आता है वुडन पे। तो सेम साउंडिंग के साथ वो आवाज़ करते हुए जाते हैं और उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपने हाउस के अंदर एक एटिक प्लेस, आपको पता है ना, घर के अंदर कभी कभी स्टोर रूम होते हैं, है ना, खाली प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर खेलने के लिए वो प्लान बनाते हैं और वो चले जाते हैं। दे फाउंड अ थ्री ओल्ड ब्रूम्स एंड बिगेन टू प्ले सोल्डर्स। वो क्या करते हैं, देखो, उन्होंने तीन पुराने ब्रूम ढूंढे, यानी कि झाड़ू ढूंढे और अपना क्या खेलना स्टार्ट कर दिया, सोल्डर्स, सैनिक खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मोहन फर्स्ट, देन नूरी एंड देन अफजल। मोहन, नूरी एंड अफजल वो स्टार्ट करते हैं। एटिक वॉज नॉट द वेरी लार्ज, एटिक इज़ नॉट द वेरी लार्ज स्पेस। जैसे आपको पता है स्टोर रूम होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। इस तरह से वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। देवर प्लेइंग, हैवजल मदर बेकिंग सम स्पेशल कुकिंग फॉर दैम आउट डाउन स्टेयर। तो उसी सीढ़ियों के नीचे उनकी किचन होगी और उसकी मम्मा क्या कर रही थी, किचन के अंदर कुछ स्वीट डिश प्रिपेयर कर रही थी। हर सीक्रेट वॉज दैट द डिप द डो इन अ शुगर सिरप टू स्वीटन इट। और वो क्या करती है, कुछ अपने लिए बनाने के लिए कुछ खाना कुछ बेक करती है और वो डो क्या होता है, किसी चीज़ का, देखो यहाँ पे लिखा है, थिक मिक्सचर ऑफ द फ्लोर एंड द वाटर यूज टू बेक अ बिस्किट केक एंड अ ब्रेड। वो कुछ अपने खाना बनाने के लिए तैयार करती हैं, वो कुछ स्वीटेस्ट होता है, स्वीटन होता है, यानी कि मीठा होता है, ठीक है। एंड शी कुड एवर हियर हैजल कमांड अबाउट टर्न एवरी टाइम दे रीच्ड वन एंड ऑफ द रूम। तो क्या हो रहा था, ऊपर छत पर जाते इधर से उधर जब जा रहे थे तो आवाज़ आ रही थी उनके पैरों की, अबाउट टर्न, क्योंकि वो सैनिक खेल रहे थे, है ना, तो टर्न लेफ्ट टर्न राइट वो कमांड दे रहे थे, तो उसकी मम्मा क्या कर रही थी, सुन रही थी। बाय एंड बाय वर द टायर्ड ऑफ प्लेइंग सोल्डर। वो धीरे धीरे क्या हो गए, अपनी गेम सोल्डर गेम प्लेइंग करने के लिए वो क्या हो गए, बिल्कुल ही टायर्ड हो गए। दे पुल डाउन सम ओल्ड ड्रेसेस एंड हैट्स दैट वर हैंगिंग ऑन अ पैग। वो क्या देखते हैं, कुछ पुरानी ड्रेसेस कुछ कैप्स वहाँ पे लटकी उनको दिखाई देती हैं और जा कर के वो उन ड्रेस को उनके साथ खेलने लग जाते हैं, ठीक है। देन आउट ऑफ एन ओल्ड बॉक्स दे ड्रैग एंड स्क्रैप बुक फुल ऑफ द पिक्चर्स। वहाँ पर एक स्क्रैप बुक पड़ी होती है और वो स्क्रैप बुक्स के अंदर वहाँ पे पिक्चर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें से पिक्चर्स निकाल करके देखना स्टार्ट करते हैं।
एंड सैट डाउन एट द लुक देम ओवर। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। दैट डिड वॉट डिड द चिल्ड्रन डू आफ्टर दे गॉट टायर्ड ऑफ प्लेइंग सोल्डर्स। जब वो थक जाते हैं तो क्या खेलना पसंद करते हैं, और वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं कुछ पुरानी ड्रेसेस के साथ, प्ले करते हैं, उन्हें पहनते हैं, कभी स्क्रैप बुक लेकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इन द मीन टाइम लता वॉज अफजल्स फ्रेंड। लता क्या है, वो भी क्या है, अफजल की फ्रेंड है। शी वॉज रैप्ड इन अ येलो रेनकोट एंड वॉज वेयरिंग द मैचिंग ग्लॉसेस। क्या होती हैं, जो शूज़ होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है मीनिंग, वाटर प्रूफ शूज़ मोस्टली वॉर ओवर यूजल शूज़। वो शूज़ की तरह पहने जाते हैं बारिश के समय में। अफजल एंड हिज फ्रेंड्स आर इन द एटिक, सेड अफजल्स मदर ने कहा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एटिक पर है, और वो जैसे ही उनके पास जाती है, दे फाइंड देम, शी एंड फाइंड देम, बट वॉट डू यू थिंक दे वर अप टू, एंड ऑल देम वर फास्ट स्लीप। वो खेलते खेलते थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। सो इन दिस स्टोरी द सम टाइम क्या होता है, कभी कभी हम अपनी गेम आउटसाइड खेलना पसंद करते हैं, बट किसी कारण हम नहीं खेल सकते, बट वी कैन यूज़ द यूटिलाइज द टाइम इन द इनसाइड हाउस। ओके, सो कभी कभी हमें अपना टाइम जो है घर के अंदर भी यूटिलाइज करना चाहिए। अगर बाहर रेन ना होती तो अफजल उसके फ्रेंड्स क्या करते, बाहर जा कर के खेलते। बारिश होने के कारण उन्हें घर पे प्लान किया और वो घर पर ही अपना प्ले करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू।